रामनेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। तो जो भी स्टूडेंट से हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमारा अब रीनेट एग्ज़ाम होगा 26 अगस्त को, और उसके बाद होगा हमारा एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, और जो भी स्टूडेंट से जैसे पीएचडी या पीजीटी हरियाणा में जो वैकेंसी निकली हैं पीजीटी की, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज इसमें हम भक्ति काल के जो शुरुआती क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे, और एक अपना क्विक रिवीजन हमारा हो जाएगा क्वेश्चंस का। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन हैं हमारे भक्ति काल के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल का समय है 1350 से 1650, बी है 1250 से 1750 ईस्वी, और सी है 1350 से 1700 ईस्वी, और डी है 1250 से 1650। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है हमारा, 1350 से लेकर 1650। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ, यानी भक्ति साहित्य का सबसे पहला प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है ए दक्षिणी भारत, बी पूर्वी भारत, सी पश्चिमी भारत, और डी है उत्तरी भारत। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए दक्षिणी भारत। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भक्ति आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था, यानी जो भक्ति आंदोलन हमारा चला उसका प्रमुख लक्ष्य क्या था, ए मठों की स्थापना, बी जाति प्रथा को आघात पहुँचाना, या सी शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना, या डी हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करना। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलावार भक्त किन्हें कहा जाता है, ए है वैष्णवों को, बी शैवों को, सी शाक्तों को, या डी सिद्धों को। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा फ्रेंड्स हमारा ए वैष्णवों को आलावार भक्त कहा जाता है। पांचवा है हमारा क्वेश्चन, आलावार भक्तों के पद किस भाषा में है, ए तमिल, बी तेलुगु, सी कन्नड़, या डी हिंदी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए तमिल में आलावार भक्तों के पद लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है, ए आलावार भक्त, बी रामानुजाचार्य, सी नयनार भक्त, या डी रामानंद। तो दिव्य जो प्रबंधम है उसमें किसके पदों का संकलन किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए आलावार भक्त का। तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें इग्नोर मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानंद के गुरु का नाम क्या था, ए रविदास, बी मलुकदास, सी रजब, या डी राघवानंद। तो रामानंद के गुरु का क्या नाम था, सातवां क्वेश्चन है हमारा, इसका राइट ऑप्शन होगा डी राघवानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, भगतमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या है, यानी भगतमाल के अनुसार जो रामानंद के शिष्य थे उनकी संख्या कितनी है, ए 8, बी 9, सी 10, या डी 12। तो भगतमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या है, इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक रामानंद के शिष्य हैं, ए कबीर, बी चतुर्बुद्धदास, सी सूरदास, या डी तुलसीदास। तो कौन एक रामानंद के शिष्य हैं। नाइन्थ क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया, ए रामानंद, बी श्री रामानुजाचार्य, सी माध्वाचार्य, या डी श्री विष्णु स्वामी। तो रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया, ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आप इसे याद रखें कि किसने किया है रामानंद, रामावत से आप रिलेट करके इसे याद कर सकते हो कि रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की, ए रामानुजाचार्य, डी बी मध्वाचार्य, सी विष्णु स्वामी, या डी निम्बकाचार्य। तो श्री संप्रदाय की स्थापना किसने
कि इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए रामानुजाचार्य। तो आप इस तरह रिलेट करके याद कर सकते हो फ्रेंड्स कि श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने की। तो श्री किसके आगे लगाते हैं हम? राम के आगे, ये हमारे पूज्य हैं। तो आप श्री रामानुजाचार्य इससे रिलेट करके आप श्री संप्रदाय को याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? ए बल्लभाचार्य, बी मध्वाचार्य, सी निम्बकाचार्य या डी विष्णु स्वामी। बारहवें का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी विष्णु स्वामी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? ए निम्बकाचार्य, बी विष्णु स्वामी, सी मध्वाचार्य या डी बल्लभाचार्य। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए निम्बकाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत वेदांत के प्रचारक हैं, यानी जो अद्वैत वेदांत है उसके प्रचारक कौन है? ए शंकराचार्य, बी रामानुज, सी गौतम बुद्ध या डी महावीर। तो इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड्स होगा हमारा ए शंकराचार्य। अद्वैत वेदांत के प्रचारक कौन है? शंकराचार्य। और फ्रेंड्स अगर आपको ये जो इनके जैसे शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, इनके संप्रदाय और ये जो किसने इस संप्रदाय को बनाया है, अगर आपको ये याद नहीं होते या याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं इसकी ट्रिक आपको बता दूंगी क्योंकि मैंने ट्रिक से ही इनको याद किया है। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपको इनकी ट्रिक चाहिए। तो आज के लिए हमने इस वीडियो में 14 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे और इसी तरह से फ्रेंड्स हम ये प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे। तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें और कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।